तो सबसे पहले बात करते हैं यार जिया शंकर के बारे में। तो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा यार, बिग बॉस से निकलने के बाद जिया शंकर ने भी अपना एक व्लॉगिंग चैनल बना लिया था। तो यार क्या अब वो यूट्यूब क्विट कर रही है? कल वो अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी डाली, एक बार आप देखिए। यू नो हाउ पीपल सेंड गुड मॉर्निंग मैसेजेस, ऑल द फेस्टिव मैसेजेस, ऑल लाइक हाउ दे ब्रॉडकास्ट इट टू एवरीबॉडी ऑन व्हाट्सएप। यू गाइस शुड जस्ट लाइक सेंड एवरीबॉडी माय चैनल्स लिंक और लाइक शेयर इट, लाइक ओह माय गॉड डिड यू वॉच दिस व्लॉग, इट्स सो फन। Yeah, please do that. वरना मोटिवेशन चला जाएगा मेरा, फिर ब्लॉग बनाना बंद कर दूंगी मैं। Not me giving धमकीज, but कर दो यार। तो यार बात करते फुकरा इंसान के मॉम डेट के बारे में। तो यार फुकरा इंसान के मॉम डेट कल कहीं से आ रहे थे, तभी उनके साथ यार सड़क पर ये छोटा सा हादसा हो गया, एक बार आप देखिए। किन आपको बताऊं, हमारा रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया। इतना ज्यादा ट्रैफिक था वो तो मेरे ड्राइवर को पता है कहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक। तो एक ट्रक वाला आया और उसने ना गाड़ी में ट्रक घुसा दिया और ये गाड़ी हमारी ठुक गई है। ये इतना बचा के चलाते हैं गाड़ी, मतलब इतनी स्लो गाड़ी थी फिर भी पूरी ऐसे पूरा शीशा टूट गया है। अब हमने रोकी नहीं वहाँ पे गाड़ी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हमने कहा घर जाके ही देखेंगे। तो अब आके देखा है शीशा टूटा हुआ है और नीचे पूरे स्क्रैच पड़े हैं। अब बस करो, अब देख लिया ना, अब नहीं कुछ बोलोगे, है ना? हाँ, क्योंकि आज अपने आप से ठुकी है ना। अगर बच्चों से ठुकी होती तो उनको ऐसे सुनाते, इनको गाड़ी नहीं चलानी आती। अब मैं जाके घर बताऊंगी बच्चों को। तो यार जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, अभी बिग बॉस 17 की हाइप कितनी ज्यादा चल रही है। तो जट प्रभजोत को भी यार काफी सारे रियलिटी शोज से ऑफर आया था, इंक्लूडिंग बिग बॉस। तो यार जट प्रभजोत ने उन सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने इन ऑफर्स को भाई रिजेक्ट क्यों किया, एक बार आप देखिए। अरे रियलिटी शोज से अपने को अभी कॉल्स आ रहे हैं कि मतलब बुलाया जा रहा हमें, लेकिन मैंने घर पे बात करी और वही पुराने वाला रफड़ा कि भाई नहीं, रहने दे, तेरा YouTube इतना बढ़िया चल रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, खुद का घर है, फैमिली तेरी खुश है, दोस्त तेरे खुश है, लेकिन जाना ही क्यों वहाँ पर? क्योंकि वो उन्होंने पिछले रियलिटी शो देखे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसका, पिछले देखे तो उनको ये हुआ भाई कितनी लड़ाइयाँ होती हैं बेफालतू, और हमारे दुश्मन वैसे ही कम है, हम दो चार और बना ले। मतलब हमारे तो ऐसे ही ना हेटर पहले इतने फैले हुए हैं, और हम किसी शो में जाएं वहाँ पर कुछ ऐसा काम हो जाए और ज्यादा हेटर हो जाए। तो मम्मी कहती है अपना आराम से जिंदगी जियो, दो दिन की जिंदगी है, जरूरी है इतनी ज्यादा भागदौड़ करनी है, अपना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहो, घूमते रहो। और मेरे को भी सही लगा कि हाँ भाई सही कह रही है। तो चलिए यार यही थी आज की एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार तुम्हारे भाई के मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर से कर देना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए।